तो आज बात करते हैं अपन नई केमिस्ट्री बुक की अनबॉक्सिंग की। आज मैंने नई किताब मंगाई है, शानदार केमिस्ट्री किताब है। आप देखिए सीबीएसई आरबीएससी कोई भी बच्चा जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो इस बुक को परचेज कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है परचेज और इसके साथ साथ ऑफलाइन भी ले सकता है जयपुर में कहीं से भी। ठीक है, चलिए आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और इसके जो फीचर्स है बुक के अंदर वो क्या क्या है वो मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसे। पैकिंग शानदार है इसकी, थोड़ी अनबॉक्सिंग में टाइम लग रहा है, सिस्टम तरीके से अनबॉक्सिंग कर रहा है भैया। क्या है इसका बिल? इसका बिल है अभी 279 की, ये बुक पड़ रही है 279 की और 46 इसका जो डिलीवरी चार्ज है वो लगा है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो 325 रुपीज़ की बुक्स मेरे पास ओवरऑल के लिए, इसकी रेट है 700 रुपीज़। ठीक है, और ये आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। ठीक है, ये आपके पास बुक्स आ गई। ठीक है, ये बुक्स है अपने पास। अब देखिए इस बुक्स की सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊँ आपको, इस बुक्स के अंदर देखिए एक तो थोड़ी रिवाइज्ड एज द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई, जो सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसका रिवाइज होकर पैटर्न आया है। इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो भी होंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गजब के और एनसीईआरटी बेस्ड दे रखे हैं, जो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए भी आपके लिए बेहतर होंगे और अगर आप ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बढ़िया होंगे। ठीक है, जिसके कंटेंट की बात करें तो देखिए पार्ट फर्स्ट में है, द सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रो है, केमिकल क्वांटिटी का सरफेस केमिस्ट्री है, वो जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है, द डीएम पी ब्लॉक है, डीएफ ब्लॉक है और पोटेशियम केमिस्ट्री, ये फर्स्ट पार्ट की कंटेंट इसमें। इसके अलावा इसके साथ मॉक टेस्ट के भी दे रखे हैं, इसे मॉक टेस्ट फर्स्ट और मॉक टेस्ट सेकंड 2-5 यानी 2 से 5 तक अनसॉल्व्ड मॉक टेस्ट के। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ इस बुक के तो जो अपने सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का उसमें हेलोलोगेन हेलोवेरिंस है, एल्कोहल फिनोल इथर है, एल्गेर कीटोन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर और केमिस्ट्री एमिडलाइफ है और इसके बाद वही मॉक टेस्ट है। फिर बोर्ड एग्जामिनेशन बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो भी देखिए, प्रैक्टिस पेपर है इसमें जो कि 2 से लेकर 10 तक है, प्रैक्टिस पेपर 1 भी है जो सॉल्व है और 2 से लेकर 10 अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर भी है। ठीक है, तो अब मैं इस पैटर्न के बेसिस पे एक चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि जिस क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन मार्क क्वेश्चन, असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस, ये सारे तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये चैप्टर होंगे, ये नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे, टोटल मार्क्स की बात करें तो जो स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ चैप्टर है, सॉरी फोर्थ चैप्टर, ये 23 मार्क्स के हैं। इसके बाद में जो इनॉग्रिंग पोर्शन है फिफ्थ से लेकर के एट तक के 19 मार्क्स के हैं। इसके अलावा जो बची हुई सेकंड पार्ट है यानी ऑर्गेनिक जो अपना सेकंड पार्ट आ रहा है वो ओवरऑल में कौन कौन से टॉपिक्स है वो टॉपिक वाइज दे रखे हैं। अब चलिए बात करें देखो चैप्टर की, तो ये चैप्टर है यहाँ से, तो यहाँ से अपने उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में नोट्स दे दिए, शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन चालू होंगे, वन मार्क्स क्वेश्चन, डिफरेंस 2 मार्क्स क्वेश्चन, इसके बाद में देखिए और ये डिफरेंस वाले आगे 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं, 1 मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स के और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं और टॉपिक वाइज दे रखे हैं। जैसे पहले ये टॉपिक था इसका जनरल करेक्टर ऑफ सॉलिड स्टेट, तो जनरल करेक्टर बेसिस पर है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पर है। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे इसके बाद में, यानी हर एक टॉपिक वाइज इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, ये देखिए
ये क्रिस्टल्स लेटेस के बेसिस पर, ओरिजिनल सेल के बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। फिर क्लोज पैकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्लोज पैकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ एक और बता दूं, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी मिक्स कर रखा है। इसको एनसीईआरटी एग्जाम्पल को भी ऐड कर रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। जी ये देखिए एनसीईआरटी इंटेक्स के और जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं वो भी इंक्लूड कर रखे हैं, इंटेक्स के उसके एग्जाम्पल भी हैं, इसके साथ साथ एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज जो बुक के लास्ट में आती हैं उनके क्वेश्चन भी इन्होंने कम्प्लीटली सॉल्व करके रखे हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस बुक होगी अगर आप ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ यह तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो गया, और अभी नए पैटर्न के बेसिस पे देखा जाए, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हर एक टॉपिक वाइज इन्होंने 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, भले वो बोर्ड में आए हुए हों, एग्जाम्पलर के हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, ये सारे के सारे दिल्ली में दे रखा है, जैसे दिल्ली 2010 में आया हुआ है, दिल्ली 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है 1.3 पेज नंबर 22, यानी सारी डिटेल दे रखी है, आपको 1% की भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जब आप इस बुक को रीड करेंगे। ये देखिए इसके अलावा देखिए अभी पहला चैप्टर चल रहा है दोस्तों, ये देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए, इसके बाद में देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से लेकर 17, और देखिए ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, बहुत ऐसे बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी भरमार दे रखी है, यानी बोर्ड एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार इस बुक को जरूर रिकमेंड करना, एक बार जरूर इस बुक को रीड करके देखें। क्वेश्चन होंगे कि मेरे को इस टाइप की, इस तरह के टॉपिक वाली बुक चाहिए, तो वो बुक चाहिए। तो अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव देखो दोस्तों, या 185 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद दे रखे हैं, ठीक है, ये चैप्टर टेस्ट दे रखा है, ये सेक्शन ए, ये क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये इनके आंसर्स, तो इस तरह से ये पहले चैप्टर की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। ऐसे ही ये जितने भी चैप्टर हैं, सॉल्यूशन हैं, इलेक्ट्रो हैं, काइनेटिक्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें मैटर वाइज पूरा का पूरा दे रखा है दोस्तों, जो मैंने अभी बताया 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से विद अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक वाइज। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, पेज भी बढ़िया है, शानदार पेजेस हैं, इसके अलावा ये कुछ ये अनसोल्ड है, ये अनसोल्ड है पूरा, जिसका सॉल्यूशन सॉल्ड पेपर्स, ये सॉल्ड पेपर्स है, क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर दे रखा है, तो आपको किस तरह से राइट करना है आंसर्स को, ये सारा का सारा पैटर्न इस बुक में दे रखा है। ये जो भी बच्चे जिनके 100 out of 100 आते हैं, सॉरी 70 out of 70 मार्क्स आते हैं, उन बच्चों के आंसर लिखने का जो पैटर्न है, कैसे वो बच्चे आंसर देते हैं, वो भी इसमें मेंशन कर रखा है, यानी यहाँ तक आपको बच्चों के आंसर किस तरह से राइट किए जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों की राइटिंग का, और सारा मैटर इसमें दे रखा है, किस तरह से इस क्वेश्चन को कितने पेजेस में ऐड करना है, कितना लिखना होता है, आंसर कितना देना होता है, ये सारा का सारा इसमें ऐड कर रखा है बच्चों। आई होप ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, ऐसे इसी तरह आपको बहुत सारी जितनी भी बुक्स आ रही हैं, भले वो केमिस्ट्री कोई सी बुक होंगी या बायो की होंगी, मैं जरूर उनकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा, जो भी मैं बुक्स परचेज करूंगा उनके बारे में जरूर आपको बताऊंगा। ये बुक्स है बहुत ही शानदार बुक है, एक बार जरूर आप उसको पढ़ के देखना, और आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन मिल रहे होंगे कि मेरे पास बुक इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह के आंसर मिले, इस तरह के ऑब्जेक्टिव मिले, 1 मार्क क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, ये सारा का सारा मैटर इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।